बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेबरा पंचायत के रामनगर टोले में ग्रामीणों ने समस्तीपुर शिवाजी नगर का मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और घंटों तक बाधित आवाजाही रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से बिजली ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इसको बदलने के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चेंज किया गया, जिससे ग्रामीण लोगों का कहना है कि रात में बच्चों को पढ़ाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं मोबाइल चार्ज और पानी की किल्लत भी बढ़ चुकी है। 20 दिनों से ज्यादा बिजली न आने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैक्स अध्यक्ष देवचंद्र महतो ने जनता को समझा बुझाकर रोड खाली करवाया। 20 दिनों से गांव में बिजली न आने पर स्थानीय ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खानपुर थाना के अंतर्गत रेबरा पंचायत के रामनगर टोले में ग्रामीणों ने समस्तीपुर शिवाजी नगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और घंटों तक बाधित आवाजाही रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से बिजली ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने आवेदन भी किया था, लेकिन आवेदन करने के बाद भी खराब ट्रांसफार्मर नहीं चेंज किया गया, जिससे ग्रामीण लोगों का कहना है कि रात में बच्चों को पढ़ाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोबाइल चार्ज और पानी की किल्लतें हैं। 20 दिनों से ज्यादा बिजली नहीं आने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैक्स अध्यक्ष देवचंद्र महतो ने जनता को समझा बुझाकर रोड कैसे भी करके वहां से खाली करवाया। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। जो 200 घर है, लाइट नहीं आता है, बच्चा लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, आगू बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि जो नामे नहीं है रामनगर का, अब पानी नहीं आता, लाइट आएगा तो पानी आएगा, इसीलिए हम लोग जाम कर दिए रखते हैं। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लोगों ने आगे दी थी क्या? दे थे आगे। रामनगर का नाम नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। पदाधिकारी से बोला गया, बार बार निवेदन किया गया, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। तो 3 फेज का ट्रांसफार्मर था, जो 2 फेज जला हुआ था, 1 फेज पर किसी तरह से काम चल रहा था, वो अभी जल गया 10-15 दिन खुद। तो आगे कंप्लेन की आप लोगों ने? हाँ, जेई साहब को बोला गया है, FDO साहब को बोला गया है, अधिकारियों का ध्यान नहीं दिया गया। अभी तो चुनाव था, तो इसमें आप लोगों ने विधायक जी को नहीं बोला क्या? विधायक जी को बोला गया, वो कहेंगे चुनाव के बाद उसका सुधार किया जाए। तो पानी के अभी तत्काल फिलहाल दूसरा में टैग करके उसका काम चलाया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? देवचंद्र महतो। का टोला है सर, और 200 घर की आबादी है, कंज्यूमर 200 लमसम है, 10-20 कम हो या ज़्यादा हो, और ये तीनों का तीनों फेज ख़त्म, और यहाँ 25 केवी का लगा हुआ है ट्रांसफार्मर जो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ हम लोग का डिमांड है जो कम से कम 100 केवी का ट्रांसफार्मर यहाँ दिया जाए, जो सुचारू रूप से सभी को बिजली मिले। यहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, लोग को पानी में दिक्कत है, यहाँ नल जल योजना भी है जो बंद है, और पानी का बहुत बड़ा किल्लत है, जिसके कारण हम लोग रोड जाम। कितने यहाँ पे कंज्यूमर होंगे? लमसम 200 के परिवार है और 200 के लमसम कंज्यूमर है। कितने दिन से ये ट्रांसफार्मर बंद पड़ा है? लमसम सर 15 दिन से लेके 10 से 15 दिन हो गया। इसमें आप लोगों ने कभी आगे जानकारी दी इसकी? सभी को फोन करके बोला गया, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं है प्रशासन की ओर से। बिजली विभाग की लापरवाही? जी, सबसे बड़ा लापरवाही इसमें बिजली विभाग का। रामनगर टोला का ये नहीं बोलता, नहीं है बिजली बिल लेने में नाम है, अभी बोलता है कि लिस्ट में नाम नहीं है, हम लोग कहाँ जाएं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार, कितने दिन से यहाँ पे कितने घर होंगे? 200 करीब घर होंगे। 200 घर है। किस पानी नल जल का जो पानी है वो भी बाधित होगा इस? हाँ, ये बिजली से तो पानी आता है। अच्छा, और बिजली नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से? बंद हो जाएगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।